की वॉइस नहीं आ रही। अब भाई आवाज? हाँ जी ठीक है, अच्छा ठीक है, अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है और आपके पास ये चीज भी मौजूद है। ठीक है, तुम अपना कैमरा ऑफ कर लो वरना तुम्हारी रिकॉर्डिंग में पूरा कैमरा आता रहेगा। ठीक ऑफ है, हो गया। ऑफ हो गया मेरी रिकॉर्डिंग, एक सेकेंड। हाँ ठीक, अच्छा जी, अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से दोबारा। अच्छा, हम हमारे पास जैसे कि अभी हम देख चुके हैं कि जो हमने कोई भी सॉफ्टवेयर लिखना होता है तो मैंने जैसे भी तो जस्ट 1 सेकेंड, मैं वो ब्लूटूथ ले लूं, मुझे आवाज नहीं आ रही आपके सही ना, क्लियर ठीक है, ठीक, अब चलो। आएंगे। सॉरी फॉर वेटिंग। कोई बात नहीं, छोड़े आप आए ऐसे ही बोले। नहीं, तुम ब्लूटूथ ले लो ताकि आसानी से हो जाए हर चीज। समझ में आए कि समझ हाँ में ठीक है, आ रही आए? आवाज बोले। आ गई आवाज? ठीक है, चलो लगा लिया ब्लूटूथ। नहीं मैं वो शायद चार्ज नहीं है, छोड़ दें उसको। अच्छा ठीक है, एनीवे। अच्छा, अब तुम्हें जो स्क्रीन पे इस वक्त नजर आ रही है ना चीज, वो तुम्हें ये यानी क्योंकि हम एनी डेस्क पे इस वक्त ऑन है, तुम्हारे कंप्यूटर को मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, तुम्हें हर चीज जी में अभी इस वक्त मैं एनी डेस्क पे ऑन हूँ और तुम्हें हाँ हर बस सही, चीज मैं नजर आ रही देखती जा है, रही। वो देख लीजिए उसको बस। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, ये जो पूरा ट्यूटोरियल है ये तुम्हें गाइड करेगा अच्छी तरह से कि किस तरह से हम आर्डिनो को यूज करते हुए किसी चीज को प्रोग्राम करते हैं। और क्योंकि तुमने पूरा सीएनसी के सॉफ्टवेयर वगैरह सब मेंटेन करने और वो एक क्योंकि उसमें हमने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत से उन सॉफ्टवेयर को तैयार किया, तो उसको सिक्योर रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, अच्छा जी अब हम यहाँ आ जाते हैं इस वक्त के। अभी हमने क्योंकि उसमें फिर हम अपनी चेंजिंग कर सकते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना कंट्रोल है, हमारी अपनी चीज़ है, तो हम उस पर तवज्जो देंगे इस चीज़ के ऊपर। ठीक, ये बात हो गई एक। जी अच्छा, अब आ जाते हैं कि हमें इसको यूज़ करने के लिए तुमको इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अब आप इसको, शुरू से, मैं कहती हूँ आप शुरू से आए, फाइल से आए आप। हाँ मैं आ रहा हूँ, शुरू से आ रहा हूँ। अच्छा, तो अब ये सबसे पहले समझ लो कि एक आईडीई है। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, बनाने के लिए आईडीई बनाई जाती है, जिसमें कि डेवलपमेंट का जी एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, उसमें इंटीग्रेटेड जी होता है, मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स हो रही होती हैं। तो हमने सबसे पहले जो काम करना है वो काम ये करना है, उसको इंस्टॉल करने है, रन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। उसमें ये ऊपर फाइल है, एडिट है, स्केच है, टूल्स है, हेल्प है। क्योंकि तुम बिल्कुल बेसिक से लर्न करी हो, इसलिए तुम्हें मैं हर चीज अभी बिल्कुल क्लियर समझा रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले फाइल्स में तमाम वो चीजें होंगी जो कि आपके किसी भी प्रोग्राम को स्टोर करने से रिलेटेड होंगी और रिकॉल करने से होंगी। अगर आपको कोई नया प्रोग्राम खोलना है तो आप न्यू करेंगी, नया प्रोग्राम खुल जाएगा, जैसे मैंने किया, ये नया जी प्रोग्राम खुल गया। ठीक, इसके बाद अगर आपने करना है कि आपको बजाय इसके कि आप नया प्रोग्राम करें, आपने कोई फाइल ओपन करनी है, तो आप यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगी तो डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो आपकी फाइल को ओपन करने के लिए आपको ले जाएगा जहां कहीं पे भी आपकी फाइलें पड़ी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपके पास इसका आपने कहीं ना कहीं ये आर्डिनो वो रखे होंगे सारे के सारे सॉफ्टवेयर वगैरह, डी में सी में कहीं ना कहीं आपने बनाया हुआ होगा, एक आर्डिनो बना हुआ ये। अच्छा, आर्डिनो के अंदर यहाँ पे पी के न्यू सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। अब यहाँ से आपने इसको खोला तो ये यहाँ से आप फाइल को खोलेंगी तो ये फाइल खुल जाएगी। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिसके जरिए से आप कोई फाइल ओपन करते हैं। फिर अगर आपको फाइल, क्योंकि आप रेगुलर काम करने वाले होंगे, आपको मुसलसल काम कर रहे होंगे, तो जो रिसेंट फाइल आपने ओपन की होगी ना वो यहाँ पे पड़ी हुई होगी। यहाँ 10 फाइलें रहती हैं जो कि आपके इसमें मौजूद रहती हैं, इसमें रिसेंटली आप काम कर रहे होते हैं, ताकि आपको बार बार न्यू में जाके सर्च ना करना पड़े। फिर स्केच स्केच बुक है, स्केच बुक जो है ना यहाँ पे इस वक्त मेरे पास, तुम्हारे पास इसमें ओपन नहीं हो रही इसकी डिटेल सारी, तो वो छोड़ दो उसको। उसके बाद है एग्जाम्पल्स, इन्होंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दी हुई है कि क्या चीज़ आपने कैसे कंट्रोल करनी है। अभी जैसे मैंने लड़कों को काम दिया कि ब्लूटूथ का वो एक बना बने बनाए प्रोग्राम पड़े हुए, सिर्फ उठा करके आपको चलाने होते हैं। बहुत सारी चीज़ें आसान हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग इसकी वीडियो सिर्फ इसलिए बनाते हैं ताकि लोग उसको देखें
और देखने के बाद उनके ऊपर लाइक्स आए, और लाइक्स आने के बाद वो उसको यूज कर सकें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, तो अब इसमें डेवलप करना सबसे ज़्यादा आसान काम हो चुका है। हम आ जाते हैं उसके बाद एग्जाम्पल क्लोज, अगर आपको प्रोग्राम क्लोज करना है यहाँ से कर दें, सेव, आपने एक प्रोग्राम बनाया उसको सेव करना है यहाँ से सेव होगा, और सेव एज अगर आपने ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो उसको बैकअप के लिए कहीं और सेव करना चाहते हैं या किसी और नए वर्जन के नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव एज करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि वो नए नाम से किसी और लोकेशन पर सेव किया जा सकेगा। ठीक है, मसलन फ़र्ज किया कि ये जो सॉफ्टवेयर है सो जो खुला हुआ है जिसको मैं तुम्हें समझाने जा रहा था, अच्छा ये पूछ रहा है कि नीड टू रीसेव दिस स्केच टू अनदर लोकेशन। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले कहीं और लोकेशन पे सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने ना अपनी आवाज को म्यूट किया हुआ है, लेकिन मैं आपकी अटेंटिव होकर चीजें देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हम सॉरी तुम्हारा ये तुम भी माउस चला रही हो क्या? नहीं नहीं अच्छा बस बैरल वो अभी ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि मल्टीपल चीजें एक वक्त में ऑपरेट हो रही है ना। हम यहाँ गए, यहाँ पे जाके सेव एस किया, और सेव एस में जाके आपने क्या किया कि आप इसके लिए कोई नई लोकेशन बना लें, तो हमने नई लोकेशन डी में भी बनाई हुई थी, ये डेस्कटॉप पे नहीं, नहीं डेस्कटॉप पे नहीं बना रहा, डी में बनी हुई है। डी में हमने जाके यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसका नाम रख दिया अलीना, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, ठीक है, ठीक, और अलीना सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया और इसमें इसका नाम रख दिया अलीना ब्लिंक। अब इससे होगा ये कि जब हम इसको सेव कर देंगे ना तो अब ये इस नई लोकेशन पे ये फाइल सेव हो गई। ठीक, तो अब हमारे पास ये फाइल, हम अब जो खोलेंगे इसको, ये अलीना ब्लिंक आपके डी फोल्डर से खुल रही है, बहुत अच्छी बात हो गई। इस तरह अब आपको भी पता चल गया कि सेव है सो सेव कैसे काम करता है। मैं दोबारा बटन दबाऊंगा वहां से हो जाएगा। अब आपको अगर इसका नया वर्जन सेव करना होगा तो आप क्या करेंगी कि आप इसको सेव एज करेंगी दोबारा अलीना सॉफ्टवेयर, यानी फर्ज किया कि आपने कोई मॉडिफिकेशन कर दी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अभी हमने एक फाइल सेव की हुई थी और मैं यहाँ पर ये कमेंट्स कह रही है ना इसमें लिख देता हूँ, बल्कि इसमें से मैं ये जो ऊपर सब चीजें लिखी है ना ये सारी उड़ा देता हूँ। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। हम क्या करते हैं कि शुरू में एक एरिया बना लेते हैं, हम उसमें लिख देते हैं कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलीना इज टेस्टिंग यूएनओ बोर्ड। ठीक है, इसका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसका ताल्लुक इस चीज से है कि आपको याद रहे कि सॉफ्टवेयर में आपने किया क्या था। ठीक, अच्छा उसके बाद हम क्या आते हैं, नीचे आते हैं यहाँ पे। तो सेटअप से पहले हमको क्या करना होता है, सेटअप से पहले हमको अनाउंस करना पड़ता है कि कौन सी पिन हम किस चीज के लिए यूज करने जा रहे हैं। अभी हम डायरेक्टली चलाने जा रहे हैं और उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स देने होते हैं ऊपर। अच्छा, असाइनमेंट्स का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट्स का मतलब क्या होता है ये चीज समझ लो। असाइनमेंट्स का मतलब ये होता है कि आपने बेसिकली किसी पिन को कोई नंबर दिया है। मसलन आपने अभी पिन नंबर 13 को जो है वो उसका ऑलरेडी यूएनओ ने बोर्ड ने नाम रखा हुआ है एलईडी बिल्ट इन। एलईडी बिल्ट इन का मतलब पिन नंबर 13 है। लेकिन अगर आप इसके बाद टेस्ट करना चाहेंगी तो नदीम भाई से एक एलईडी लेके एक रेजिस्टेंस के साथ लगा लीजिएगा एक पिन पर एक वायर के साथ ना, तो वो जो है एक वेरो बोर्ड होगा और वो पिन से आप कनेक्ट करके उस पिन पे लेके जाएंगी और वहां पे ले आके लगा दीजिएगा। आप लिखिएगा यहाँ पर जो ना पिन आपको असाइन करना पड़ती है, तो आप करेंगे इंट का मतलब इंटीजर और ये कॉन्स्टेंट इंटीजर है या इंटीजर है, आप ये वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं सारे के सारे। ठीक है, एलईडी वन इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो या 2,
जो दो नंबर की पिन है आपने इस पे एलईडी लगा दिया, अभी मैं इसको ऑन ऑफ नहीं करवा रहा, जब आप इसको लगाएंगी ना एलईडी को, नदी में से मंगा के एक एलईडी लगाएंगी इस तरह से कि उसकी जो आउटपुट है वो पिन से निकल के एक 100 ओम की रेजिस्टेंस से ग्राउंड हो रही हो, तो क्या होगा कि वो एलईडी भी जलेगी इसी ब्लिंक के साथ साथ, ये आप बाद में टेस्ट करते रहिएगा। तो ये मैंने कर दिया, अब मैं ये एक नया वर्जन बन गया क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीजें चेंज कर ली हैं। अच्छा, इसी तरह से मैं यहाँ पे अभी इसको और लिख लूँ। अब यहाँ पे हमें हर सेटअप वो एरिया होता है, यानी सेटअप से पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले ये, अच्छा साथ साथ तुमको सी प्रोग्रामिंग की भी बेसिक्स पता चल जाएंगे इसमें पूरे। सेटअप से पहले आप असाइनमेंट्स करते हैं, असाइनमेंट मतलब काम देते हैं, तो किस पिन को आपने क्या काम दिया ये असाइन किया जाता है। तो अभी आपने क्या किया, इस पिन को पिनों का असाइनमेंट दे दिया, उसके अलावा वेरिएबल भी असाइन करते हैं। वेरिएबल से मुराद ये कि वो एरिया, वो जहाँ पर आप किसी चीज़ की मेमोरी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, मसलन फर्ज किया किसी जगह आप बनाना चाहते हैं वॉल्यूम कंट्रोल, तो आप चाहते हैं शुरू में वॉल्यूम जीरो हो, या मोटर की स्पीड, तो शुरू में मोटर की स्पीड जीरो, या जो तुमने एलईडी लाइट्स ऊपर लगाई हैं हैंग कराई थी उनको चाहती हो कि शुरू में स्टार्ट हो तो बिल्कुल जीरो से हो, फिर आगे बढ़े, फिर नीचे आए, फिर आगे बढ़े, फिर नीचे आए। तो ये जो इस किस्म की चीज़ें हैं ना, इनको आप क्या करते हैं, इसको आप इस तरह से करके असाइन करते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये सारे की सारे जगह जहाँ से कि वो कंट्रोल हो रही होगी, उन वेरिएबल्स को पहले डिफाइन कर दिया जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे एक और इंट लिख देता हूँ, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है नंबर। अच्छा, ये नंबर 65,000 तक जा सकता है, इससे ऊपर ये इंट नहीं चलेगा, फिर आपको यूज करना पड़ेगा डबल, या अगर उसके अंदर पॉइंट आ रहा है ना, जैसे 20.5, तो उसमें यूज करेंगी आप फ्लोट, ठीक। तो ये अलग अलग वेरिएबल टाइप्स होते हैं, अरे वगैरह फिर बाद में हम समझते रहेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझ लो। इंट स्पीड ऑफ फैन, पंखे की स्पीड, जैसे अभी ये लोग क्या बना रहे हैं, पंखे की स्पीड का बना रहे हैं। आपने इसका असाइनमेंट दे दिया जीरो, के स्टार्ट होगा तो जीरो होगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसी तरह से आप फ्लैग्स भी बना सकती हैं, यानी कि आपने बुलीन, यानी हाई है या लो है वो करना है, वो हम और चलते चले जाएंगे। तो हम इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम आते हैं सेटअप में। सेटअप में हम जो पिन होती है उसका काम बताते हैं, उसका काम क्या है। मसलन मैंने जैसे तुमको एग्जांपल दी थी कि आपने एक ऑफिस में एक दरवाज़ा होता है एग्जिट का, एक होता है इनपुट का, तो बाज़ वक़्त क्या होता है कि इस रास्ते से आपने अंदर आना है, इस रास्ते से बाहर जाना है। अब वो एक ही रास्ता है, रास्ता तो एक ही है, दोनों बाहर खुल रहे हैं, मगर आप असाइन कर देते हैं कि यार ये अंदर वाला रास्ता है, ये अंदर आने का रास्ता है, ये बाहर जाने का रास्ता है। अब जब चाहे उसको कह सकते हैं, अच्छा ये वाला बाहर जाने का रास्ता है। तो ये हम पिनों को खुद बताते हैं, हम पिन के लिए खुद डिफाइन करते हैं कि तुम क्या हो, तुम इनपुट हो या आउटपुट हो। तो हम यहाँ पे करते हैं पिन मोड, पिन मोड, पिन मोड। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो पिन नंबर होती है ना उसको लिखते हैं, पिन नंबर 2, ठीक, कॉमा, उसके बाद लिख दिया आपने आउटपुट, क्योंकि आप एलईडी जलवा रहे थे, आउटपुट। अच्छा, अब यहाँ पे तुम देखो कलर चेंज हो जाता है, अगर रिजर्व वर्ड होगा यानी कोई फंक्शन होगा तो वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा, अगर वो कोई रिजर्व वर्ड होगा मसलन इंटीजर है, आउटपुट है, ये सब ब्लू हो जाएंगे, बाकी सब चीजें नॉर्मल ब्लैक बनेंगी। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया, जब भी कोई लाइन आप लिख करके एंड करेंगे ना, तो आपके लिए जरूरी है कि उसके फौरन बाद आप सेमी कॉलन लगाएं। ये जो सॉफ्टवेयर कंपाइल करता है ना, इसको एंड ऑफ लाइन समझ में नहीं आती, इसको सेमी कॉलन समझ में आता है, और ये सेमी कॉलन से लाइनों को सेपरेट करता है। इसका मतलब कमांड लाइन खत्म हो गई, इसके बाद आप आगे डबल लाइन डाल करके लिख सकते हैं जो कुछ लिखना हो इसके बारे में। मसलन दिस इज एलईडी 1 पिन, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब ये रीड में नहीं आएगा, कंपाइलर में ये हो गया। हम इसके बाद, हमने लिखा था पिन नंबर 2, अब जरूरी नहीं हम पिन नंबर 2 लिखें, क्यों, इसलिए कि हमने एलईडी 1 को पिन नंबर 2 पहले से असाइन किया हुआ है, यानी एलईडी 1 का नाम पिन नंबर 2 था। आप चाहें आप इसको लिखें पिन मोड एलईडी 1, ठीक, कॉमा आउटपुट, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये भी वही बात हुई, क्योंकि आपने पहले ही नाम दे दिया था। अब आपने कहा वो बच्चे इधर आ, वो बच्चे, वो दो नंबर बच्चे इधर आ, तो वो दो नंबर बच्चा उधर आ गया, नहीं, दो नंबर बच्चे से मुराद ये कि आई मीन पिन नंबर 2। तो अगर उसके बरक्स आपके पास क्या होगा कि आपने उसका नाम रखा हुआ है, उसका नाम रखा हुआ है महमूद,
आरिफ तला कुछ भी तला, तो तला आ जाएगा खुद ब खुद उठ के, क्योंकि उसको पता है कि जो सेकंड नंबर का बच्चा है यानी घर में जो सेकंड नंबर दूसरे पहले से छोटे से बड़ा जो है उसका नाम तला है, तला खुद आ जाएगा। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बड़े से छोटे बच्चे या दो नंबर बच्चे, ये नहीं कहना पड़ेगा। तो आप इस तरह से करके इसको असाइन कर सकते हैं। हमने बहुत ही सिंपल अल्फाज में समझाने की कोशिश की। अच्छा अब हम आ जाते हैं नीचे। हमने यहाँ नीचे आके क्या किया कि उसके बाद हम सेटअप को क्लोज कर देते हैं। सेटअप हमेशा खुलेगा और बंद होगा कर्ली ब्रैकेट से। फंक्शन या क्लास या आपको कोई असाइनमेंट लिखने का तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले आप लिखते हैं वाइड, फिर आप लिखते हैं सेटअप, फिर आप लिखते हैं यानी दो कर्ली ब्रैकेट्स बनाते हैं, इसके बाद आप ये यानी ये बड़े वाले ब्रैकेट्स बनाते हैं ताकि इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो एक फंक्शन के तौर पे कॉल किया सके। तो ये आपने सेटअप का फंक्शन कॉल, ये जब भी प्रोग्राम रन होगा, जब भी स्टार्ट होगा, सबसे पहले ये एरिया चलेगा। ये असाइनमेंट्स को हम सेटअप कर देते हैं। मसलन अगर आप सीरियल पोर्ट पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कौन से पोर्ट से कनेक्ट होना है, क्या होना है। तो जब आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाएंगी तो वहां आपको मिलेगा बिगिन सीरियल 9600, ये सब लिखा हुआ मिलेगा, तो वो सेटअप में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप काम करना शुरू करते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे उसके बाद एक चीज है जहाँ पे लिखा हुआ है लूप, वाइड लूप। वाइड लूप जो होता है ये पहला लूप होता है, ये हमेशा चलता रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, यानी पहली लाइन रीड होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, चौथी होगी, फिर घूम के वहीं आ जाएगी। तो ये इस तरह से करके चलता है। तो हमने पहले जैसे तुम्हें बताया था कि बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं, वो रिजर्व वर्ड्स आपको इसकी लाइब्रेरी में मिल जाते हैं, मगर जो कॉमनली यूज हो रहे हैं वो मैं तुमको बताता चला जा रहा हूँ, जो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो इसके फंक्शन है। डिजिटल राइट, डिजिटल राइट का मतलब ये कि लिखो एलईडी बिल्ट इन को हाई कर दो, फिर लिखो एलईडी बिल्ट इन को, उसके बाद डिले दो 1000, 1000 का मतलब होता है 1 सेकंड, ये मिली सेकंड्स कहलाते हैं। तो दिस इज वेट फॉर अ सेकंड, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, फिर डिजिटल राइट बटन लो, वो दोबारा ऑफ कर दो और ये कर दो। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक। अच्छा पहले हम इसको सेव एज कर दें। अच्छा ना भी करें तो ये जहां पे सेव हुआ तो वहीं सेव हो जाएगा। अब आपने क्योंकि नया वर्जन बना लिया ना, तो अब आप इसे करेंगे सेव एज। अच्छा जहां पर आपके पास अलीना सॉफ्टवेयर था, अलीना ब्लिंक था, इसको अलीना ब्लिंक 1.0 कर दें। जब भी आप कोई ऐसी तब्दीली करें तो आप इसको इस तरह से करके सेव कर लें, सेव एज करके। तो पुराना जो आपने, अगर खुदा ना खास्ता नए अमेंडमेंट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पुराना आपके पास मौजूद रहता है। जब आप नया सेव करें तो आप फौरन यहाँ पे वर्जन नंबर लिख दें, ठीक है, न्यू वर्जन 1.0 फॉर एडिंग पिन फॉर पिन टू एस एलईडी 1। अब आपके पास ये याद रहेगा और डेटेड यहां पे लिख दें डेट, ठीक है, डेटेड 28 जून, ठीक, 28 जून को आपने ये न्यू वर्जन ऐड किया। अब क्या होगा कि आपको ये याद रहेगा कि किस दिन आपने क्या किया था, और जो पुराना प्रोग्राम होगा वो भी पता होगा कि इसकी नई लास्ट एक्सटेंशन क्या थी। तो आप हमेशा एक वर्जन के कंट्रोल के साथ चलती रहेंगी, ठीक है। आगे अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके बाद देख लेते हैं। अच्छा एडिट का क्या मतलब, एडिट का मतलब ये होता है कि अंडू कंट्रोल जी, ये तो कॉमन जो के उसके फीचर्स होते हैं विंडोज के, वो हैं कमेंट्स हैं, इंक्रीज इंडेंट, ये सब चीज़ें ये कॉमन है, यानी इनका कोई कोई खास वो नहीं है, यानी हम इसे ये नहीं कह सकते कि जी कोई इसमें कोई खास ऐसी चीज़ है कि जिसको किया जाए। स्केच जो है वो है आपके पास, वेरीफाई कंपाइल अपलोड यूजिंग प्रोग्रामर, ये सारी की सारी चीज़ें हैं उसमें, ऐड फाइल लाइब्रेरी वगैरह, इंक्लूड लाइब्रेरी, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी हैं, ये आप ऐसा ऐसा करके सीखते चली जाएंगी। टूल्स में आपको जो चीज़ सीखनी है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पे पोर्ट कैसे लेना है, बोर्ड सेलेक्ट कैसे करते हैं। अभी बहुत सारे बोर्ड हैं, आप बोर्ड यूएनओ लिया हुआ है आपने तो ऑलरेडी ये, अब वो नैनो मंगाएंगे तो यहाँ पे आर्डिनो नैनो होगा, आर्डिनो नैनो को लेके चलेंगे, फिर अगर मेगा यूज करेंगे तो ये वाला बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो सा बोर्ड आप सेलेक्ट करेंगे ना वो यहाँ पे दिया हुआ होगा, तो वो उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग अपनी लोड करेगा। तो आपका यूएनओ है तो ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, तो ये सही हो गया। अब आपने पोर्ट देखा कौन सा है, यहाँ पे 8 और 9 दो पोर्ट आ रहे हैं। अच्छा गेट इन्फो, गेट बोर्ड इन्फो आ रही है, और ये सब चीज़ें इनमें आपको अभी ज़रूरत नहीं है इनकी, ठीक है। रन बूट लोडर जो ये है, कोई भी आप नया माइक्रो कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो आपको बूट लोडर रन करना पड़ता है, वो आप यहाँ से रन कर सकते हैं और वो प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा जी अब आप आ जाए यहाँ पर के ये पोर्ट नंबर 8 और 9। अच्छा
ये किस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि पिन नंबर 8 है या 9 है, क्योंकि हम पहले इस बोर्ड को यूज कर सके, हमें पता है कि 8 नंबर किसी और चीज के लिए रिजर्व है, तो हम 9 नंबर को यूज करेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसको मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ये अलग से बता दूंगा कि ये कैसे पता चलता है, क्योंकि कोई और बोर्ड आता है, कोई और पीसी होता है, तुम उस पर कनेक्ट करने जा रहे हो, 4-5 बोर्ड है, पता कैसे चलेगा कौन सा बोर्ड है आपका, ये एक जरूरी आइटम है। हम सबसे पहले पोर्ट नंबर 9 ले लेते हैं फिलहाल, या हाँ ये हमने ले लिया। अब हमने क्या किया कि इसके फौरन बाद यहाँ आए, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अब ये जो निशान बना है इसका मतलब राइट माउस का मतलब ये है कि आप कंपाइल कर लें इसको, खाली बना के देख लें इसमें कोई एरर तो नहीं है, और इसका मतलब ये है कि कंपाइल करो और लोड कर दो सॉफ्टवेयर को बोर्ड के ऊपर। अच्छा, और ये जो है उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ये अप एंड डाउन है, ओपन क्लोज वगैरह सेव, यानी इसको सेव कर ले, खाली ओपन करें सेव करें, जो यहाँ से ओपन और सेव है वो यहाँ से भी है, यानी ये इन्होंने क्या किया कि इन्हीं यहाँ पे जो फीचर्स थे सेव में वो यहाँ पे भी रखे हुए, और जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं टूल्स में से कुछ चीजें उठा के यहाँ रख दी, स्केच में से यहाँ रख दी, हमें इन दो से काम होता है यहाँ पे, ये मैंने किया। अब आप ये देखिए कि इसने कंपाइल स्केचअप शुरू कर दिया, स्केच शुरू कर दिया, अब ये कंपाइलिंग कर रहा है स्केच का पूरे के पूरे। ठीक है, ठीक है, अभी ये जैसे ही कंपाइल कर लेगा तो ये उसके बाद लोडिंग ऑन बोर्ड करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी हमने कॉम 9 लिया हुआ है, तो उसके बाद आपने स्केच से किया है ना? हाँ, ये आपने स्केच से किया है ना? स्केच से नहीं किया, ये सामने जो ऑरेंज बटन दबा यहाँ से किया। हम स्केच से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी वो हो रहा है, तो मतलब स्केच में भी आ रहा है ना अपलोड, अपलोड ये कंट्रोल यू, कंट्रोल यू करोगी तो अपलोड हो जाएगा, कंट्रोल आर करोगी तो सिर्फ वेरीफाई और कंपाइल होगा कि वो कंपाइल करके उसको रन कर देगा, उसके बाद आपके पास एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी वगैरह आ जाती है। अच्छा, अब देखो अब ये अपलोडिंग कर रहा है, अपलोडिंग डन हो गई, अब तुम देखो कि तुम्हारे उस बोर्ड के ऊपर जो है एलईडी ब्लिंक कर रही होगी, एक एक सेकंड के ऊपर कर रही है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा ये आपने सॉफ्टवेयर खुद लोड किया। मेरे इस लेक्चर के बाद आप इस सॉफ्टवेयर को दोबारा लोड करके देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। एक दो पिने मंगा करके ना, एलईडी मंगा के नदीम भाई से बैरो बोर्ड पे कनेक्ट कर लीजिएगा, यानी दो नंबर की पिन जो है दो नंबर की पिन से निकाल करके आप क्या करेंगी, दो नंबर की पिन से निकाल करके एलईडी की पॉजिटिव या नेगेटिव, जो पॉजिटिव है उस पर लगाएंगी, और उसका जो दूसरा एरिया 100 ओम से नेगेटिव करके ग्राउंड कर देंगी। आप उसको पिन नंबर 2 आपने इसमें रखी हुई है यहाँ पे, पिन नंबर 2 को आप यहाँ पे डिजिटल राइट कराएंगी, पिन नंबर 2 वो किस तरह से ऐड होगा मैं एक खाली लाइन लिख के दे देता हूँ यहाँ पे। ये आपने क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लें इसी को, पूरी लाइन को, इस वाली को। ठीक है, ठीक है, और उसे वो ब्लिंक करने लग जाएगा। हाँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और आपने यहाँ पे दो तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप पिन नंबर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने काम कर रहे होते हैं ना तो आपको पता नहीं चल पाता कि पिन नंबर 2 किस चीज के लिए इस्तेमाल किए, तो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर में चल जाता है, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं तो फिर हम फंस जाते हैं, तो हम इसमें नाम लिख देते हैं, तो LED 1। ठीक, अब ये LED 1 हाई हो गई यहाँ पर, तो अब आपके पास जो बिल्ट इन पिन है वो भी हाई लो हो रही है, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके मैंने इसमें कंट्रोल वी किया और यहाँ लिख दिया डिजिटल पिन लो। अब आपने क्या करना है, आपने LOW लो। ठीक है, तो क्या हो गया, एक सेकेंड, लो का दिया, अब डिजिटल, अब वो LED 1 जो दो नंबर पे वो भी हाई लो होना शुरू होगी। अब आप मेरे इस लेक्चर के बाद इसी तरह से दो नंबर की पिन के ऊपर LED लगा करके और उसको चला के चेक करेंगी तो वो 100% इसी तरह से करेगा कि वो LED लो या हाई होना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप सारी LEDs यहाँ पे ऊपर असाइनमेंट देती जाएंगी और हर LED पे एक एक लाइट लगा करके सॉफ्टवेयर को चेक करती चली जाएंगी। इस तरह पहली दफा में आपका हाथ खुला हो जाएगा, आपको इससे ये पता चल जाएगा किस तरह से करना है। ठीक है, वंस यू आर हैप्पी विद दिस, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये पहला प्रोग्राम आपको इस लेवल पे ले आया कि अब आपको ID समझ में आना शुरू हो गई। इसके बाद मैं तुम्हें साथ साथ सी लैंग्वेज भी सिखाता चला जाऊंगा कि सी लैंग्वेज के अंदर आप किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको लिखा किस तरह जाता है। अच्छा, यही चीज आप एक काम और भी कर सकते हैं, इसको एज अ फंक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे तुमने यहाँ पे ये लिखा है ना कि ये लिखा हुआ है सारा कुछ, तो हम यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिखते हैं void। ठीक है, और void के बाद लिखा blink 2। ठीक, अब ये देखो जो जिस तरह से मैं लिख रहा हूं ना, ये तो ये खुद ब खुद इसने एक जगह बना दी। blink 2 करने के बाद मैंने क्या किया कि यहां से ये पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कॉपी किया
यहां तक, ठीक है, कंट्रोल एक्स काट दिया इसको, अब ये जगह खाली हो गई, अब मैंने ये उठा के यहां रख दिया कंट्रोल वी। अब मैंने यहां पर क्या किया, इस जगह पे यहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ब्लिंक टू कॉल कर लिया, ठीक है, ब्लिंक टू ये कॉल कर लिया। अब कुछ भी नहीं होगा, वही प्रोग्राम रन होगा, मगर अब ये जो लूप में एक फंक्शन है जो कि फंक्शन नीचे बना हुआ है, यहां से कॉल हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ना, तो लूप में बहुत सारे फंक्शंस लाइन से लिख देते हैं और फंक्शंस कहीं और लिख देते हैं, तो जब हमें हटाना होता है तो बहुत इजीली ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये ऐसे है कि जैसे एक ऑफिस है, उसमें एक रजिस्टर मेंटेन है, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें एक एक चीज पता है कि कहां क्या रखी। जैसे आज तुमने उनको सब चीजें बता दी कहां क्या रखी, नदीम को याद नहीं होगा, तुम्हें याद है, तो तुम्हें क्या होगा कि ये तुम्हारी मेमोरी है, तुम्हारी मेमोरी अच्छी है। लेकिन अगर यही चीज तुम चली जाओ इस वक्त तो अगले को नहीं पता चलेगा, लेकिन यही चीज अगर कहीं लिखी भी हो ऑर्गेनाइज तरीके से तो सबको पता होगा कि यहाँ पे क्या चीज रखी हुई, इसे इन्वेंटरी कंट्रोल कहते हैं। तो ये इसी तरह से यहाँ पे आप क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स को कहीं और रखते हैं, यहाँ पे लूप में सिर्फ उनके नाम रखे जाते हैं, ताकि जब भी उन फंक्शंस को कॉल करना हो यहाँ से कॉल कर लें, और उन फंक्शंस को जाकर देखना हो तो देख सकें, तो मिक्स नहीं होती चीजें बहुत सारी और जंबल अप नहीं होती, और आपको इजीली हर चीज कंट्रोल में रहती है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ, ये दोबारा कंपाइल करता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि यही प्रोग्राम वैसे ही रन करेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, यानी वैसे ही होगा बिल्कुल और वैसे ही चलता रहेगा, हालांकि प्रोग्राम में चेंजिंग हो चुकी है। ठीक है, अपलोडिंग हो चुकी है, वैसे चल रहा है ना, एक और लाइट ब्लिंक के साथ। हाँ, वो जो एक और लाइट ब्लिंक करती है वो सीरियल डाटा जो आ रहा होता है ना वो उसको ब्लिंक करती है, अगर वो डाटा आ रहा है इसका मतलब सीरियल पोर्ट कनेक्टेड है। अच्छा, पहले बस एक दफा ही लाइट ब्लिंक हुई है। हाँ ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं दूसरी चीज की तरफ। दूसरी चीज क्या है हमारी, हमारी दूसरी चीज ये है कि हमने अब जो काम करना है वो समझो, अभी हमने क्या करना है कि अभी मैं तुमको जो चीज समझा रहा हूँ उस चीज को तुम देखो, कि हमने यहाँ पर एक चीज ये समझी थी कि जब हमने इसको टूल पे गए थे तो यहाँ हमारे पास दो पोर्ट आ रहे थे, 8 और 9। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पोर्ट कौन सा है। अच्छा, आज अभी आप ये असाइनमेंट ये करें कि अभी आप वो पूरा प्रोग्राम लोड ना करें सीएनसी वाला, वो तो चला ही देंगे। आज आप ये करें कि एक एक करके ना इसमें सिर्फ पिन की जो एलईडी की पिन है उनको चेंज करें, और उसके बाद नदीम भाई से एक एलईडी मंगा करके मैं अभी गाइड कर देता हूँ कैसे कनेक्ट होगी। वो एलईडी पड़ी हुई है मेरे पास, बस वो बैरोबोर्ड पे मुझे पता है कनेक्ट करवा के, तो जैसे वो दाऊद वगैरह से आपने करवाई थी। हाँ, एक एलईडी कनेक्ट करवा के ना कि आप उसको 100 ओम की रेजिस्टेंस के साथ एक एलईडी कनेक्ट कर लें, एक उसमें पिन ग्राउंड कर दें और एक पिन को आप पिन से कनेक्ट कर दीजिएगा, यानी जिस पिन में कनेक्ट करेंगी ना, यूएनओ बोर्ड में तो पिन लगाने का सॉकेट होता है ना, पिन सी लगी होती है इसको लगाते हैं, वो लगाएंगी ना आप तो वो एलईडी ऑन या ऑफ होना शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं 2 नंबर पिन जो है ना वो उसके ऊपर लगा के आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर वो ऑन ऑफ होना शुरू हो जाए। अच्छा, एलईडी की 2 पिनें होती हैं, एक एनोड कहलाती है, एक कैथोड कहलाती है, एक पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, तो बिल्कुल उसकी तरह काम करती है डायोड की तरह से ना, तो आप पहले चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव साइड जो है वो जानी है यूएनओ बोर्ड की तरफ और नेगेटिव साइड जो है वो जानी है किसकी तरफ, ग्राउंड की तरफ, तो फॉरवर्ड बायस होगी और एलईडी रन करेगी, अगर उल्टी लगा दोगे तो एलईडी नहीं चलेगी। तो आप एक दफा ट्रायल करके उसको देख लीजिए, फिर वो चीज चलना शुरू हो जाएगी, यू विल बी हैप्पी हैप्पी, तो तुम्हें समझ आएगा क्या चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि ये पहले आप आज ये काम मुकम्मल करें कि सारी पिनों को एक एक करके हर पिन को चलाते देख लें, हर पिन को आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट देना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करेंगी, एक बटन लगाएंगी और बटन को दबाएंगी तो फिर वो एलईडी जलनी चाहिए, बटन को हटा दें तो एलईडी बुझ जानी चाहिए। तो ये 2 सॉफ्टवेयर आप अपने तौर पे खुद लिख करके मुकम्मल करके समझ लें तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये चीज कैसे काम करती है। ठीक है, ठीक। अच्छा, वैसे इस चीज की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये कि क्योंकि अब तुम वहां पर अभी हो और ये चीज सीख लेती हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि साथ साथ तुम्हें डिजिटल मार्केटिंग भी करनी है और वो तुमने देखना है। इन लड़कों से कह के ना आपने एक फेसबुक पेज बनवाना है, या हमामा से कह के या किसी से कह के फेसबुक पे एक एफ बी पेज बनाए और उसमें कहें कि विंसन ईडीयू एनएचयू इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक, उसमें इन लड़कों की वो जो है जो ये चीजें बना रहे हैं उसकी कंट्रोल करके और जो एलईडी के काम हो रहे हैं इस किस्म की चीजें लगा करके वो पेज के ऊपर उसको भी अपलोड करें और उसको रेगुलर अपलोड करें एनएचयू के साथ अफिलिएट करके, और उसमें मेंबर्स को अपना भी ऐड करूं जो करूंगी काम। हाँ, वो भी ऐड करें, तस्वीरें ऐड करें,
और उससे कहें कि फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न दे कैन ज्वाइन अस, ये इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसके अंदर हम इस लोगों को चीज़ें सिखा रहे हैं और आप आए, और फिर उसी से फिर सीएनसी का भी करेंगे। तो इस तरह के पेजेस बनते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं नाम तो आना शुरू हो जाता है ना बैकलिंक का, चाहे कुछ ना हो लेकिन एसईओ में हेल्प मिलती है। तो उसमें विंसन ईडीयू डैश यूके प्लस एनएचयू इंटर्नशिप प्रोग्राम इस तरह से करके बना लीजिएगा, ठीक है, ये उनसे कह दिया। अच्छा अब हम आ जाते हैं पोर्ट किस तरह पता चलता है वो हम देख लेते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना होता उसमें, हमें जाके चेक करना होता है कि हमारी कौन सी जो वो है, यानी कौन सी हमारी वो है पोर्ट है, उसको हम किस तरह चेक करते हैं। अब आप ये देख रहे हैं क्या तरीके का है इसका। अब आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाएं, दो तरीके हैं, एक लॉन्ग वे एक शॉर्ट वे। पहले मैं तुम्हें शॉर्ट वे बता देता हूँ फिर लॉन्ग वे भी बता। आप जाएं डिवाइसेस पे ना, जैसे आप डिवाइसेस लिखेंगे ना डिवाइस मैनेजर ऊपर आ जाएगा कंट्रोल पैनल में से। आप ये कर सकते थे कंट्रोल पैनल पे जाते फिर वहां से डिवाइस में, आपने डायरेक्ट डिवाइसेस लिखा ये फौरी तौर पर खुल गया, ठीक। अच्छा जी, अच्छा यहाँ आ गए, उसके बाद आपने क्या किया, आप यहाँ पर आ गई, ये कंपोर्ट्स के ऊपर लिखा हुआ है ना कंपोर्ट्स एंड एलपीटी। एलपीटी का मतलब होता है यानी पैरेलल प्रिंटर पोर्ट्स, प्रिंटर पोर्ट पर आ गए। इसमें देखो ये लिखा हुआ है यूएसबी सीरियल CH304COM9, ठीक है, तो ये COM9 के ऊपर है, ठीक। और आपके पास COM8 किसी जगह इंटरनली यूज हो रहा है, हमें नहीं पता उसका ना, हमने इसमें देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा, हो सकता है या कोई सीरियल बस में किसी चीज में कनेक्टेड हो। आपके पास COM9 के ऊपर कनेक्ट हो रहा है, तो अब आपको ये पता चल गया कि ये सीरियल CH304 जो है ना ये यूएनओ बोर्ड का सीरियल पोर्ट है, तो ये इसके ऊपर कनेक्टेड है, बस ये आपका काम हो गया। अब आपको यहाँ से ये पता चलता है, अगर मल्टीपल पोर्ट्स आ रहे हो तो आप डिवाइसेस पे जाएं, सीरियल पोर्ट पे जाके चेक कर लें, जहाँ कहीं पे भी या तो लिखा होगा यूएनओ आर्डिनो या फिर लिखा होगा CH304, ये दोनों नॉर्मली आते हैं। इसके ऊपर COM9 लिखा हुआ है, ये COM9 है, ठीक। तो हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं आज के सेशन को इस वक्त, और जो तुम्हारे पास CNC की टेस्टिंग करानी है वो हम या तो शाम में रखेंगे या हम कल रखेंगे, उसके अंदर कराने को तो मैं अभी तुम्हें करवा दूं फौरी तौर पे, मगर मैं ये चाहूंगी, मैं चाह रही हूं कि मैं इस पे जो है ना वो कर लूं जो आपने मुझे असाइनमेंट दी है। हाँ उसको कर लो, उससे क्या होगा कि तुम्हारा हाथ साफ हो जाएगा, तुम्हें आईडीई का समझ में आ जाएगा, फिर सेकंड जो है ना जब लोड कर रही होगी कोई काम होगा कुछ चेंजिंग करनी होगी मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तो तुम फौरी तौर पे कर सकोगी, ठीक है। अच्छा बस मुझे ये रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे ना अभी? मैं अभी सेंड कर देता हूँ, ये तो अपलोड करनी पड़ेगी, अपलोड करके ही सेंड कर सकता हूँ, प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है, चलो प्राइवेट, ठीक है, ओके, थैंक यू, वेलकम।